हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके सामने आया हूँ हिमाचली जीके पार्ट टू। और इस बार हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है फेस्टिवल्स ऑफ हिमाचल। इस वीडियो में हम सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि कौन सी जगह पे और हिमाचल में बेसिकली कौन कौन से हम त्यौहारों को सेलिब्रेट करते हैं और क्या उनका हमारे लिए महत्वपूर्ण और महत्व रहता है। ठीक है साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल में जो मेन हमारे जो पूरे वार्षिक समय जो रहता है, वर्ष का समय, जिसमें जो अलग अलग तरह के हम जो त्यौहारों को मनाते हैं, उनमें सबसे पहले आता है चेत। चेत को और बोलते ढोलरू। और इसका जो आगमन है पूरे हिमाचल में बहुत ही उत्साहवर्धक और खुशी के साथ लोगों में देखा जा सकता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू, चंबा में सभी जगह इसका महत्व रहता है। और इसके बाद बारी आती है बैसाखी की। तो दोस्तों, जो बैसाखी है इसको भी हिमाचल में 13 अप्रैल के दिन मनाया जाता है और इसका भी अपना ही महत्व है, जिसे हिमाचल में समान रूप से मनाया जाता है। बैसाखी के दिन ये हिमाचल में मान्यता है नादौन, जो कि उसके समीप लगते कलेश्वर, महाकलेश्वर जगह है जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है, वहाँ पे इस दिन स्नान करने का विशेष महत्व रखा जाता है। इसके अलावा मारकंडा इन बिलासपुर में भी, तत्ता पानी नियर शिमला, बंगाना, हर की पौड़ी, हरिद्वार। तो बैसाखी के दिन लोग जो हैं इन जगहों पे जा कर के स्नान करते हैं और ट्रेडिशनल जो उनके जो मीन्स के अपने जो उनके रीति रिवाजों के अनुसार अपने अपने देवताओं की पूजा करते हैं। इसके बाद बारी आती है दोस्तों हरियाली की। तो हरियाली जो है लाहौल स्पीति, जुब्बल, किन्नौर, कांगड़ा, सिरमौर, इन सभी जगहों पे मनाया जाता है। और ये जो फर्स्ट सावन का जो महीना होता है, जो 16 जुलाई से स्टार्ट होता है, तब से लेकर के इसको मनाया जाता है, हरियाली जिसको बोलता है। और देसी भाषा में इसको हम लोग चिड़नू भी बोलते हैं अपने हमीरपुर, बिलासपुर, उन्ना, कांगड़ा में चिड़नू के नाम से भी इसको मनाया जाता है। इसके बाद साथियों, जो हिमाचल में अगला त्यौहार मनाया जाता है वो है राखी का। सो राखी का पवित्र बंधन जो त्यौहार है, ये भी एक समान रूप से पूरे हिमाचल में मनाया जाता है। इसके बाद आती है छरीवाल, जिसको और बोलते हैं पृथ्वी पूजा। ये भादों के महीनों में मनाई जाती है, इसका भी हमारे लिए विशेष महत्व है। उसके बाद आता है 10 साथियों जागरा। तो जागरा जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा यहाँ पे एक फेस्टिवल है, जो कि सितंबर मंथ में महासू देवता की पूजा करने के लिए शिमला, किन्नौर, सिरमौर के साथ लगते और जगहों पे भी मनाया जाता है। इसके बाद जो साथी में बात करने वाला हूँ फुलेच की। फुलेच जो है ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, जो कि किन्नौर में मनाया जाता है। इसको और बोलते हैं फूलों का त्यौहार। इसमें जो लोग होते हैं घरों से निकल करके पहाड़ियों पर से ऊंची जगहों से जा करके फूलों को कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आकर के इनके जो ग्राम देवता जो लोकेलिटी में होते हैं वहाँ पे इनको चढ़ाते हैं और पूजा अर्पण करते हैं। तो फुलेच किन्नौर में बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद बारी आती है सैरे की। सैरे जो है ये भी हिमाचल में बहुत ही प्रसिद्ध रहा है और हिमाचल में एक बार्बर हजाम जो नाई कास्ट है उसके लोग जो हैं, लोग ये हमारे पुराने समय के कल्चर हैं, तो उसमें लोग जो हैं नाई जो थे वो घर घर जाकर के लोगों को मिरर दिखाते थे और उसके बदले में वहाँ से दान दक्षिणा लेकर के आते थे, राइट।
इसके बाद आता है दशहरा। सो साथ ही दशहरा भी हिमाचल में ऑलमोस्ट सभी जगह एक समान रूप से मनाया जाता है। दशहरा जो है दशमी, जो कि हमारे नवरात्रों की नवदुर्गा जो अष्टमी नवमी और उसके बाद जो दसवीं के दिन जो है हम लोग जो है दशहरे को मनाते हैं, और उसमें रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतलों को जलाया जाता है और लोगों को ये संदेश दिया जाता है बुराई पर अच्छाई के विजय के प्रतीक का। उसके बाद दिवाली जो है उसको भी हिमाचल में बहुत ही जोर शोर से मनाया जाता है। उसके बाद साथ ही लोहड़ी, जिसको माघ की सज्जा भी बोलते हैं, ये साल के आरंभ में 13 जनवरी को मनाया जाता है और पंजाब हिमाचल हरियाणा में ये बहुत ही फेमस है। इसके बाद है गोच्छी, बड़ा भरी इंपॉर्टेंट है भाई जी। गोच्छी गोच्छी का जो त्यौहार है ये गुमरांग कोठी और किलोंग में गोच्छी जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद अबारी आती है लोसर की। तो साथियों लोसर जो है हिमाचल प्रदेश की जो तिब्बतन बेल्ट होती है जिसमें मनाली शिमला धर्मशाला सोलन बैजनाथ आते हैं, तो यहाँ पे लोसर का त्यौहार जो मनाया जाता है, ठीक है जी। और जो मोस्टली जो अपने क्या बोलते हैं उनको तिब्बतन लोग होते हैं, बौद्धिस्ट होते हैं, वो इस चीज़ को मनाते हैं। फिर उसके बाद जो हिमाचल में अगला जो बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है वो है शिवरात्रि, जो कि फरवरी के महीने में आती है और इस दिन लोग जो हैं शिव लॉर्ड शिवा भगवान शिवा पार्वती की इस दिन पूजा की जाती है। उसके बाद अगर बात करी जाए तो मेरे हिसाब से जो हिमाचल में एक और बहुत ही प्रसिद्ध त्यौहार है जैसे नवाला गद्दी ऑफ कांगड़ा चंबा मंडी कुल्लू सेलिब्रेट करते हैं इस फेस्टिवल को और अपना बहुत सारा धन जो है वो इसमें व्यय करते हैं, लॉर्ड शिवा की पूजा करते हैं और इस तरह त्यौहार को मनाते हैं। तो साथियों ये था हिमाचल के डिफरेंट फेस्टिवल्स एंड देयर सेलिब्रेशन। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू जय हिंद।